सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं जंक कुक का जैकेट एंड बैकग्राउंड। एंड इस वीडियो में मैंने यूज़ किया है डोम्स कलर पेंसिल। तो ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। एंड अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 4 नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में हम इनका जैकेट ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रे कलर, जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा। एंड पूरा सेट करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से थोड़ा ज़्यादा डार्क करेंगे जहाँ पे ज़्यादा डार्क एरियाज है। एंड प्रेशर ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, जहाँ पे आपको लगे पूरा डार्क करना है उसके ऊपर कोई भी लेयर चढ़ा नहीं है वहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। एंड एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको फाइन लाइंस मिलता है, एंड जहाँ पे आपको बहुत ही फाइन लाइन देना होता है उसमें इजी होता है एंड शेडिंग में भी इजी होता है। अभी मैं यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं सेकेंड लेयर चढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर। एंड ये प्रिंटेड पेपर है तो इस पर आप चार से पाँच ही लेयर चढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रे कलर का यहाँ पे फिर से यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आपको लाइट टू डार्क ही जाना है, चाहे कलर पेंसिल हो चाहे ग्रेफाइट पेंसिल में आप ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एंड डेप्थ बना रहा हूँ। यहाँ पे डेप्थ है, वहाँ पे डेप्थ बना रहा हूँ, डार्क एरियाज पे डार्क एरियाज। एंड आप देख के ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। एंड ये सीरीज का पार्ट 5 है। इसके बाद हम MC-10 को बनाएंगे, वो भी ब्रूस्ट्रो के पेपर पे जो मैंने रिसेंटली बाय किया है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए इस चीज के लिए। अगर आप फाइन शेडिंग करते हो, आपको एकदम अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपका पेंसिल हमेशा शार्प होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने भी पहले बहुत ही नहीं किया, मैंने सोचा था कि चलो बचा के चलते हैं, ज़्यादा दिन चलेगा, बट तो उससे आपको फाइन रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे मैंने वाइट पेंसिल का भी यूज़ किया था, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। एंड यहाँ पे मैंने 3 से 4 शेड्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ग्रे कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर एंड ग्लास मार्किंग पेन। ग्लास मार्किंग पेन का मैंने इसलिए यूज़ किया है, जैसे कि आप वाइट जेल पेन का यूज़ करते हो ना, तो वो थोड़ा सा पतला फाइन लाइन देता है, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा मोटा चाहिए था एंड ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं चाहिए था मेरे को। तो यहाँ पे मैंने ग्लास मार्किंग पेन का यूज़ किया है एंड ये इजीली ब्लेंड हो जाता है कलर पेंसिल पे, तो ये बहुत ही अच्छा आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओनली 20 रुपीज़ में आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से ब्लेंड कर देता हूँ इससे। अब यहाँ पे हम डॉट डॉट करके अंदर का टी शर्ट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं इनका करेंगे जो कि बगल वाला जैकेट होगा। उस पर मैंने यही चीज़ अप्लाई किया है, आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले ग्रे कलर, उसके बाद ब्लैक कलर एंड जहाँ पे डार्क ज़्यादा डार्क वहाँ पे आप ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हो प्रेशर अप्लाई करके। एंड आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ऑप्ट करना है, जितने अच्छे से आप फोटो रेफरेंस को ऑप्ट करके ड्रॉ करोगे उतना आपका ड्रॉइंग उभर के आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से ग्रे कलर का यूज़ किया है एंड मेरा पेंसिल शार्प है, आप भी अपना शार्प ही रखना। एंड यहाँ पे मैंने क्रॉस हैचिंग मेथड का यूज़ किया है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मैंने क्रॉस हैचिंग मेथड का यूज़ किया है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड कलर पेस्ट में आपको क्रॉस हैचिंग ही करना होता है एंड आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करना है, बिकॉज मैंने कोई इस जैकेट ड्रॉ करने में ना पूरे 2 आवर्स लगे हैं एंड मैं बहुत ही स्लो ड्रॉ कर रहा था। अभी मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा ब्लूइश टाइप का दिख रहा था, डार्क ब्लू था वो। एंड यहाँ पे मैं फिर से ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा प्रेशर मैंने साइड में अप्लाई किया था, बिकॉज वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ग्रे था, ग्रेस टाइप का था, डार्क ग्रे बोल सकते हो आप, स्टोन ग्रे। एंड यहाँ पे मैं फिर से ग्रे कलर का यूज़ करके स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे मैंने ग्रे कलर से डेप्थ बना दिया, बिकॉज बाद में मेरे को ज़्यादा फोटो ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं वाइट ग्लास मार्किंग पेन का यूज़ कर रहा था एंड मैं इसको ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, जहाँ पे कुछ ज़्यादा डार्क हो जाता है मेरे को उसको फिर से लाइट में लाना होता है, तो मैं यहाँ पे ग्लास मार्किंग पेन का यूज़ कर सकता हूँ। एंड इस ड्राइंग को बनाने के लिए ना आपको पेशेंस चाहिए, आप में बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, जिससे कि बहुत आप धीरे ड्रॉ कर पाओ, ज़्यादा टाइम दे पाओ इसमें एंड बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। तो आप अच्छे से ड्रॉ करना, बिकॉज इसकी एक भी गलती ना आपका ड्राइंग ख़राब कर सकती है। एंड बहुत ही बारीकी से ड्रॉ करो, सोच समझ के ड्रॉ करो एंड फ्रीली ड्रॉ करो, विदाउट जब आपका मन करे ना तब ड्रॉ करो, विदाउट मन आप ड्रॉ मत करना, बिकॉज उस टाइम आपका ख़राब बनने वाला है। एंड इस ड्राइंग को मैंने ना
8 दिन में ड्रॉ किया है। आप समझ सकते हो 8 दिन में मैंने ड्रॉ किया आराम आराम से। पहले आप देख सकते हो हेयर का वीडियो आया था, मैंने उसको 2 दिन में ड्रॉ किया था। लगातार मैंने कभी कोई भी ड्रॉइंग नहीं किया है, एंड क्या भी है ना, बहुत ही बेकार बना है। आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मन से ड्रॉ करो, नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो ऐसे ड्राइंग करने बैठ जाते हैं, थोड़ा सा भी सेम ना दिखे ना तो उनको इरिटेट टाइप का हो जाता है। मेरे को भी कभी कभी हो जाता है कि सेम नहीं बन रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, बिकॉज उस टाइम आप ज़्यादा ओवरलोड ले लेते हो अपने ऊपर, तो वो आपको नहीं करना है। आप सिंपली आधे घंटे एक घंटे के बाद फिर से बैठोगे ना, आपका माइंड फ्रेश होगा एंड फिर से आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड आधे घंटे नहीं, आप अगले भी दिन भी ड्राइंग कर सकते हो। बिकॉज अभी मैं तो स्कूल जाता हूँ एंड मैं एक दिन में कम से कम 2 या 1 घंटा ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा नहीं। बिकॉज स्कूल की भी पढ़ाई करनी है अभी मेरे को, तो अभी ऐसे चल रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं फिर से ग्लास मार्किंग पेन का यूज़ कर रहा हूँ एंड ब्लेंड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। एंड फिर से मैंने वाइट पेंसिल का यूज़ किया इसको ब्लेंड करने के लिए। हाईलाइट के लिए मैं बस ग्लास मार्किंग पेन का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसको आपको राउंड करके आपको ब्लेंड करना है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डोम्स कलर पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो पोर्ट्रेट, बट इसमें क्या होता है ना कि आप रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं कर सकते हो, आर्टिस्टिक तो ड्रॉ कर सकते हो जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख ही रहे हो। तो ये नहीं कि आपको ब्रूस्टो का बाय करना है, प्रिज्मा कलर, फाइबर क्रिस्टल, उन सब में क्या होता है ना, आपको थोड़ा वाइब्रेंट कलर दिखता है एंड रियलिस्टिक शेड होता है। एंड बहुत सारे शेड्स के पेंसिल मिलती है, तो आपको पहले इसमें ड्रॉ करना है। जब आप लगे कि मैं उस पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बिकॉज उसके ना एक पेंसिल का कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़ होता है, तो आप उसमें तो ये 2 आएंगा, तो आप उस तरह नहीं करना है ना, आपको ऐसे ही पहले इसमें ड्रॉ करना है। उसके बाद जब आप पूरे मन से मतलब लगे ना कि मैं उस पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तब आप बाय कर सकते हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके बाद आप ब्रूस्टो का बाय करना। एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिकॉज मैंने खुद से बाय करके देखा है, बहुत ही अच्छे कलर से, बहुत ही सस्ते में बोल सकते हो आप। 2000 तो सस्ता नहीं है, बट आप उसको प्रिज्मा कलर, फाइबर कैस्टल से कंपेयर करके देखो, बहुत ही सस्ता है उसके मामले में। बिकॉज प्रिज्मा कलर का आपको 17,000-9,000, उसका तो 4,000 शुरुआती होता है, स्टार्टिंग प्राइस 4,000 है। एंड फाइबर कैस्टल का भी 1,600 से स्टार्ट हो जाता है, बस उसमें 12 कलर्स मिलते हैं, तो वो तो ज़्यादा हो जाता है ना। इसमें आपको 2000 में ही आपको 72 शेड्स मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही प्रीमियम, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड आप चाहो तो फाइबर क्रिस्टल या प्रिज्मा कलर का भी बाइक कर सकते हो अगर आपका बजट है तो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रूस्टो से ड्रॉ करो। एंड सबसे पहले तो आप डोम्स कलर पेंसिल से ड्रॉ करना सीखो, पहले शेड्स को ड्रॉ करो, उसका डेप्थ समझो, शेडिंग समझो, कौन कौन से शेडिंग्स होते हैं, क्या टेक्निक होता है, क्या फाइन लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, फेस में को स्मूथ कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी जाननी है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, एंड सीखने के लिए आपको कोई भी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करोगे सीख लोगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब है ही एंड गूगल भी है, तो आप उस पर जाके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है। एंड मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे ही चैनल पे जाओ, आप बहुत सारे चैनल पे जा सकते हो, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं सब कोई, ऐसे आपको नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल पे ही जाके देखो, कहीं और मत देखो, तो आप जाके देख लेना। एंड इस पर अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना सकता हूँ कि कौन कौन से टेक्निक आप यूज़ करके अपना कलर पेंसिल का ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हो। बातों ही बातों में वीडियो ख़त्म होने वाली है, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।